मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बघतोय की नीतीश कुमार यांनी बिहारच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेली आहे आणि आता नवव्यांदा ते बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी आत्ताची शपथ घेतली। आतापर्यंत 8 वेळा नीतीश कुमार हे बिहारचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत आणि आत्ताचे शपथविधी होताना आता मुख्यमंत्री म्हणून नवव्यांदा त्यांनी शपथ घेतलेली आहे। आत्ताच्या या शपथविधी सोहळ्याला भाजपाचे जेपी नड्डा हे देखील उपस्थित आहेत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हे सुद्धा उपस्थित आहेत आणि नीतीश कुमार यांनी आता मुख्यमंत्री पदाची शपथही घेतलेली आहे। याचबरोबर या शपथविधी सोहळ्यामध्ये 9 मंत्री शपथ घेण्याची शक्यता आहे। आता कोणाकोणाची वर्णी लागते हे देखील बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। त्याच्यामध्ये सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, सुमित सिंग, श्रवण कुमार, संतोष सुमन यांची नव्या मंत्रिमंडळामध्ये वर्णी लागत असल्याची देखील चर्चा। त्यामुळे आत्ताच्या या मंत्रिमंडळ शपथविधीमध्ये कोण मंत्री शपथ घेतायत, मंत्रिमंडळाची शपथ घेतायत।